हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको शॉर्ट में हम आरटीई 2009 भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आरटीई का मतलब राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2009 में ये पारित हुआ था, तो इसलिए हम इसको आरटीई एक्ट 2009 भी बोलते हैं, 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैसे आप फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं यूजीसी नेट का, तो उसके अंदर भी आते हैं। आप टीजीटी पीजीटी का कोई एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट पेपर में आपको पैडागोगी वगैरह पूछी जाती है, तो वहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप सी टेट वगैरह के, यूपी टेट वगैरह के पेपर देते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे अभी आपका यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, तो फर्स्ट जो पेपर है उसमें ये पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये आपको जनरल में पता होना चाहिए कि क्या एक्ट है ये भाई, राइट टू एजुकेशन। नॉर्मल चर्चा में रहता है ये। तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्या आएंगे, हम सोर्स में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, कोई हमें थ्योरी नहीं करनी है। ठीक है, हमें पॉइंट वाइज समझनी है। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दे रहे हो तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अगर आपके पास आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आया है कि ये जो एक्ट है संविधान के कौन से संशोधन में लाया गया है। ठीक है, संविधान के कौन से संशोधन में आया था, तो वो आपको यहाँ पे रखना है, यानी अमेंडमेंट बतानी है आपको कौन से उसमें हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो 2002 में सबसे पहले इसके अमेंडमेंट के लिए ये सदन में लेके आया गया था 86 जो है अमेंडमेंट थी, 86 अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट, तो 2002 में आया था। ठीक है, हम यहाँ पे 2009 की बात कर रहे हैं कि आरटीई एक्ट 2009 है, लेकिन जो संशोधन सदन में करा गया था इसमें, कि इसमें सदन के सामने पेश किया गया था कि भी इस तरह से संशोधन चाहते हैं, वो कब करा गया था, वो 2002 में करा गया था। लेकिन ये पारित कब हुआ था, 2009 के अंदर ये पारित किया गया था। ठीक है, तो तब से 7 साल तक इसके बारे में डिस्कस हुआ कि पारित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके रिकमेंडेशन होंगे। तो सबसे रिकमेंडेशन वगैरह भी इसमें मांगे गए थे, तो वो सब चीजें चलती रही थी, तब जाके ये पारित हुआ था। बेसिकली जो ये एक्चुअल में जब पारित हुआ, जब लागू हुआ, पारित कर दिया भाई सदन ने, तो पारित कर दिया कि संविधान में आ गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ वो 2010 में शुरू हुआ। तो ये जब पारित हुआ था वहाँ पे, लेकिन जो नया सेशन जब बना 2010 में, नया सेशन जब स्टार्ट हुआ एजुकेशन का, स्कूल का, तो 1 अप्रैल 2010 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तब से ये जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका शुरू हो गया। लेकिन एक स्टेट आपको देखो, ये पॉइंट तो यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, संविधान के कौन से संशोधन में इसको यूज करा गया, लगाया गया, तो 86 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट है, 2002 में हुआ था पारित हुआ जो, ये 2009 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो 1 अप्रैल को हुआ 2010। ठीक है, अब एक स्टेट ने इस एक्ट को पारित करने से मना कर दिया। ठीक है, बाकी इंडिया के सारे स्टेट जो हैं उन्होंने इसको एक्ट को पारित कर दिया, अपने अपने स्टेट में सब लागू कर दिया सब स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन एक स्टेट है उसने कह दिया कि हम इस पर नहीं करते, कोई शिक्षा का अधिकार कोई जरूरी नहीं है, अगर किसी को करना है करो, नहीं करना नहीं करो। तो इस तरह से वो स्टेट आप जानते ही होंगे, ठीक है, कि किस तरह से होगा, कहाँ पे एजुकेशन का ये है। तो वो स्टेट जो है बेसिकली J&K है, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट को, तो इन्होंने इस अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं करा, तो नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीई एक्ट, आरटीई अलग होता है, आरटीआई अलग होता है। ठीक है, कि आरटीआई लगा दी, ये आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो आरटीई 2009 कहाँ पे लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था।
ये एक्ट जो है ऐसा तो है कि सबसे पहले भारत में ही बनाया गया, इंडिया से पहले भी बहुत सारे देशों ने इसको बनाया था। ठीक है, तो अब इसमें जो इंडिया से पहले जो देश थे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने देशों ने इंडिया से पहले पारित किया, या इंडिया कौन से नंबर का देश है, कंट्री है जो आरटीई एक्ट को पारित करती है, पारित करने वाली कौन से नंबर की कंट्री है। तो इंडिया जो है 135th 135वें नंबर की कंट्री है ये इंडिया। ठीक है, इंडिया से पहले 134 देशों ने, 134th कंट्री ने, ठीक है, ये एक्ट जो है पहले से ही लागू पड़ गया था। इंडिया 135वीं कंट्री बनी जिसने ये एक्ट लागू किया। इस एक्ट का मेन काम क्या था, किस लिए ये एक्ट बनाया गया, इस एक्ट का मतलब था कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, किसको, चिल्ड्रन को। ठीक, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए था, फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, जितने भी चिल्ड्रन है उनको सबको क्या है, फ्री और जो है कंपलसरी एजुकेशन। अब ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में इसमें यहाँ पे आता है कि चिल्ड्रन की बात कर दी गई है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रही, किस एज के चिल्ड्रन को दी जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी पूछा जाता है एज ग्रुप, तो 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है उनके लिए ये बनाया गया, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, या कोई जो है हमारे पास डिसेबिलिटी है किसी भी बच्चे में, चाहे वो मानसिक तरीके से हो या फिजिकल तरीके से, यानी डिसेबल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनके लिए 18 ईयर्स तक है। ठीक है, तो अप टू 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल की उम्र में जो बच्चे कुछ डिसेबल है, तो डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ये एक्ट में 18 साल तक फ्री एजुकेशन थी, और बाकी बच्चों के लिए नॉर्मल बच्चे थे वो 6 से 14 साल के लिए थी। ठीक है, फ्री है यानी स्कूल में क्या क्या फ्री मिलेगा, तो फ्री जो है इसमें ट्यूशन फीस कुछ नहीं ली जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी, यूनिफॉर्म भी फ्री मिलेगी, बुक्स बच्चों को वो भी फ्री मिलेंगी। ठीक है, कोई स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में देखो बुक्स में और स्टडी मटेरियल में डिफरेंस है। यहाँ पे बुक्स तो होगी आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह होगी, स्टडी मटेरियल में कॉपी रजिस्टर पेन पेंसिल वगैरह और सारी चीजें वो भी सब फ्री मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे फ्री प्रोवाइड, ये तो आपको स्कूल प्रोवाइड करवाएगा। अब पेरेंट्स का ये फर्ज है वो कंपलसरी उसको स्कूल भेजे ही भेजे। ठीक है, वो इसको स्कूल भेजे ही भेजे। इसमें ये भी बनाया गया था कि भाई स्कूल में सीट्स होती हैं तो सीट्स में क्या होगा, तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थे, ठीक है, आजकल ये जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन काफी न्यूज में भी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस को कितना रिजर्वेशन दिया गया है, तो आप 10% नहीं लिखना, 10% जनरल कैटेगरी को आरटीई एक्ट में नहीं दिया गया, वो जो है जब आप जॉब्स वगैरह कर रहे हैं उनके लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जब आरटीई के बारे में पूछा गया है तो आरटीई के अकॉर्डिंग यानी स्कूल में एडमिशन के लिए कितनी सीट रिजर्व होंगी, ठीक है, उन सीट्स के बारे में बात करी गई है, तो उसके बारे में ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, वो कहलाता है हमारा ईडब्ल्यूएस सेक्शन। ठीक है, उनके लिए 25% सीट्स जो है वो स्कूल में रिजर्व रहेंगी, रिजर्व इन ईच स्कूल। ठीक है, हर स्कूल में इतनी सीट रिजर्व रहेंगी। ठीक है, 25% सीट, तो ये 25% है। ठीक है, ये रिजर्वेशन जो है आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसमें ये भी कहा गया कि स्कूल में कितने दिन मिनिमम वर्किंग होनी चाहिए, जो है हमारे पास हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए उसके बारे में क्या कहा है। तो देखो मिनिमम, अगर हम बात करें मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डे, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो होंगे वो 200 होने चाहिए। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए यानी फिफ्थ 1 to 5th, फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल जो है कम से कम साल में 200 दिन खुलना चाहिए। और
220 दिन जो है वो बनाया गया है जूनियर क्लासेस के लिए, यानी 6 to 8 तक की क्लासेस हैं उनके लिए कम से कम 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज है पर ईयर में, पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको कितने वर्किंग डेज होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हमारे पास जो है वर्किंग कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर्स पर वीक, यानी वर्किंग आवर्स पर वीक, ठीक है। वो तो हमने देखा कि पर ईयर में कितने दिन स्कूल खुलना चाहिए, तो ये जो है ये इसमें डिफाइन किया गया है कि आपको 45 घंटे पर वीक जो है स्कूल होना चाहिए, ठीक है, ये वर्किंग आवर्स होंगे। तो स्कूल की डिस्टेंस के बारे में कहा गया कि स्कूल घर से बच्चों के कितनी दूर हो, ये इसमें रिकमेंडेशन जो रखी गई थी अमेंडमेंट में। जो स्कूल की डिस्टेंस है, स्कूल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो स्कूल डिस्टेंस जो है वो घर से 1 किलोमीटर होनी चाहिए अगर प्राइमरी एजुकेशन आप ले रहे हैं। इसमें जूनियर और प्राइमरी, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात करी जा रही है, तो 3 किलोमीटर तक, ठीक है, जूनियर के लिए, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए प्राइमरी बच्चों के लिए और 3 किलोमीटर तक के अंदर स्कूल होना चाहिए जूनियर। स्कूल की जो है स्कूल में लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाने की बात करी गई इसमें, कि स्कूल के अंदर जो है बच्चों के लिए लाइब्रेरी बने जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको जो है वहाँ पे बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाए दी जाए, तो इस तरह का अमेंडमेंट भी इसमें दिया गया था। अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई टीचर और जो स्टूडेंट है उसके रेशो के बारे में, तो टीचर और स्टूडेंट के रेशो के बारे में भी इसमें बात करी गई थी, ठीक है। तो टीचर और रेशो के वो जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है वो कितना होना चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की, तो प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन है जो यानी 1 to 5 तक का है उसके अंदर जो है 35 to 1, यानी प्राइमरी के लिए 30 का होगा, प्राइमरी के लिए 30 to 1 का रेशो होना चाहिए, ठीक है। ये जो 30 क्या है स्टूडेंट्स हैं यानी आपके पुपिल्स हैं, और 1 जो है ये कौन है टीचर है, यानी 30 बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए, ठीक है, प्राइमरी के लिए। और जब हम बात करते हैं जूनियर लेवल पे, तो जूनियर लेवल पे जूनियर एजुकेशन जो होती है यानी 6 to 8 लेवल पे, वहाँ पे जो है 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। और अगर आप बात कर रहे हैं प्राइमरी पे, वहाँ पे 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए कम से कम, इस तरह से ये बनाया गया। इस एक्ट में कितने सेक्शन है, नंबर ऑफ सेक्शंस, ठीक है, जो सेक्शंस बनाए गए इसमें तो वो भी पूछे जाते हैं आपसे, तो 38 सेक्शंस इस अमेंडमेंट में करे गए इस आर्टिकल में। तो इसमें जो है आर्टिकल नंबर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल नंबर 45 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 45 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो आपसे के बारे में, आपको इसके बारे में जो बताया वो आपको पॉइंट याद रखने हैं कि ये 86 नंबर का अमेंडमेंट था 2002 में जो लाया गया, 2009 में पारित किया गया, एप्लीकेबल जो हुआ वो 2010 में हुआ 1 अप्रैल से। इंडिया 135वें नंबर की इसको लाने के लिए, और इसके अंदर आरटीई एक्ट में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रखी गई और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए रखी गई, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि स्कूल जो है जूनियर के लिए 3 किलोमीटर तक और प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर तक होना चाहिए, ठीक है, और टीचर का रेशो आपको बताया कितना होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में 45 नंबर आर्टिकल में आया और इसमें 38 सेक्शन थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर है, इसमें यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी, ठीक है, ये सब आपको फ्री प्रोवाइड करवाए। अब इस सेक्शन में ये तो चीजें प्रोवाइड करवाई गई, कौन सी चीजों को रोकने के लिए कहा गया कि कौन सी चीज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी प्रोहिबिट्स करी गई जो चीजें, ठीक है, जिनको रोका गया वो है कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, फिजिकली पनिशमेंट नहीं मिलेगी बच्चे को, और मेंटल हरेसमेंट भी नहीं किया जाएगा, मेंटल हरेसमेंट भी नहीं होगा बच्चे का, ना ही फिजिकल पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा का है कि हमारे पास जो वो है, हमारे पास फीस है वो फ्री होनी चाहिए, तो फ्री फीस
फीस होनी चाहिए, मतलब फीस आप नहीं ले सकते, फी नॉट चार्ज, ठीक है, फीस आप चार्ज नहीं कर सकते। तीसरा है प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाएंगे टीचर, प्राइवेट ट्यूशन बाई टीचर जो है उसको रोक दिया गया है, और बिना सर्टिफिकेशन के, बिना रिकॉग्नाइजेशन के कोई स्कूल नहीं चलेगा। स्कूल चलाने के लिए आपको रिकॉग्नाइजेशन लेना पड़ेगा, यानी रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वे हैं सेक्शंस जो आप यूज नहीं कर सकते, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था वो हमने आपको पहले बताया, क्या नहीं होना चाहिए वो, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना। तो बाकी जो है फिर इसी तरह से हम कोई चीजें जैसे फर्स्ट पेपर में भी जो यूज होती है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो बनाई है फर्स्ट पेपर की, ठीक है। अभी दूसरे सर आशीष सर आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करानी है, तो मैं भी मतलब मैंने देखा इंटरेस्ट से लगा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, तो अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसमें भी थोड़ा सा आपकी सहायता कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें जो हमने बताया कि किस तरह से आपको लगा, आप बताने के लिए आपको कमेंट करके आप बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट और लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भी इस तरह की पढ़ा सकता हूँ, नहीं तो आपको फिर वो करेंगे। बाकी कंप्यूटर साइंस हम आपको रेगुलर पढ़ा ही रहे हैं, और फर्स्ट पेपर का आपको आशीष से सारी चीज़ें बताई रही हैं, तो वो वीडियो भी आप देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एसपी शर्मा क्लासेस से जुड़ने के